नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के दो पार्टियों के सुप्रीमो नाराज चल रहे हैं अपने ही सरकार से, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी तो आर पार के मूड में हैं, सियासत गरमाई हुई है। कल मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, बंद कमरों में घंटों बातचीत हुई। इसके बाद आज मुलाकात करने जीतन राम मांझी से पहुँच गए शाहनवाज हुसैन। बिहार सरकार में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं और शाहनवाज हुसैन ने जीतन राम मांझी से मुलाकात किया है। इसके बाद बिहार में चर्चा तेज हुई, क्या डैमेज कंट्रोल करने शाहनवाज हुसैन जीतन राम मांझी के घर गए, जीतन राम मांझी से मुलाकात किया है। क्या बिहार में एनडीए में जो टूट होने वाली है, जो टूट की खबर आ रही है, अब शाहनवाज हुसैन मनाने गए हैं जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी से मुलाकात कर शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं। नहीं भाई, हम तो गया के प्रभारी मंत्री हैं, अब गया में बैठक करनी है। जब से मंत्री बने थे कोरोना काल चल रहा था, एनडीए के वो नेता हैं तो उनसे कहे थे कि जो डेट वो देंगे उसी डेट पे गया के प्रभारी मंत्री के तौर पर, गया जिले के विधायक हैं और एनडीए के नेता हैं, हम तो मिलते रहते हैं, मिलने गए, इसमें कौन बड़ी बात। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है शाहनवाज जी, क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है। एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एनडीए में चट्टानी एकता है, जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं वो असफल हो। बीजेपी और जेडीयू को बड़े लोग कहा है, मुकेश सहनी कहा है, छोटे लोगों की सुनी नहीं जाती है, ठीक है, दलित और मुस्लिम जाति के लोगों की सुनी नहीं जाती है, कल उन्होंने बयान दिया है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबकी चिंता की जा रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबकी चिंता हम लोगों ने की है। इसलिए अच्छे से सदन चले, विधायी कार्य अच्छे से हो। सरकार से नाराज है सर नीतीश सहनी, कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं यूपी से और कह रहे हैं यूपी में मुकाबला करेंगे लेकिन बीजेपी से। वो यूपी में कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला दो हाथ करेंगे यूपी में, एकदम योगी जी के नेतृत्व में सरकार पहले से भी ज्यादा बहुमत से हम लोग यूपी में जीतेंगे। अखिलेश यादव और मायावती जी कितना ख्याली पुलाव बना लें, लेकिन बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैनर लगा रहे हैं कि खेला होई, तो उनको ये मालूम नहीं है कि जो बंगाल की नकल कर रहे हैं वहाँ तो बीजेपी 377 हो गई, बिहार में चुनाव हुआ यहाँ बढ़ गई, यहाँ 74 हो गई और 3 थी बंगाल में, जोड़ के 74+3 कितना हुआ 77। तो यूपी में भी हम बढ़ेंगे ही, पहले से ज़्यादा बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो सब समाज की चिंता। तो शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान कि गया के प्रभारी मंत्री होने के नाते वो गया में जाने वाले हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी से समय मांगा कि कब वो गया जाएंगे, क्योंकि गया से ही आते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, बीजेपी के ओर से शाहनवाज हुसैन ने खूब तारीफ किया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का। साथ ही ये भी दावा किया है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार आ रही है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।